एजेंडा तय होगा। और ये आगरा की जो भूमि है वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पावन भूमि रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, हम सबके मसीहा हैं। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब यहाँ की पावन भूमि चक्कीपाट बौद्ध विहार पर वो पधारे थे और उन्हें यहाँ इस देश का सबसे अंतिम भाषण उन्होंने किया था और उनकी अस्थि कलश भी यहाँ पर रखे हुए हैं। और आगरा अनुसूचित जाति का एक बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, तो इस आगरा की पावन भूमि से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा एक देश के लिए अपना संदेश दे रहा है। जो आगरा पूरे देश और विदेश में जाना जाता है, जिस आगरा की पूरे विश्व में एक पहचान है, इस आगरा से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा एक अपना संदेश देगा कि आने वाले 2019 में पूरी ताकत लगा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए पुनः भारी बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे और पूरी हमारा संगठन लगा हुआ है। और इसके साथ साथ हमारी कार्य समिति के द्वारा जो हमारा विषय है वो कल तय होगा और मैं आप लोगों से चाहूंगा, अभी तो मैं कार्य समिति हमारी आगरा में हो रही है, एक ऐतिहासिक कार्य समिति होगी और पार्टी के प्रति हम लोग मिलजुल के सब लोग मिलके अनुसूचित मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में इसी प्रकार से हर प्रदेश के अंदर प्रदेश कार्य समिति के कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे अनुसूचित मोर्चा के। और उत्तर प्रदेश सभी का प्रश्न का देने वाला उत्तर प्रदेश है, यहाँ से 6-6 प्राइम मिनिस्टर दिए उत्तर प्रदेश ने। 2014 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दलित समाज का 40% जो वोट मिला था और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जो अधिकतम सीटें पाई थी और उसी के आधार पर केंद्र के अंदर भारतीय